हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग. सुबह के 7 बजे हैं. चीकू जा रहा है अपने पेपर देने के लिए और मैं बना रही हूँ नाश्ता. टिंटिन सो रखा है और ये जा रहे हैं चीकू को छोड़ने के लिए. तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चीला बेसन का. तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी पोहा और छोटी कटोरी सूजी. तो इन सबको मिक्स करूंगी, मिक्सी में करूंगी इन सबको मिक्स और एक अच्छा सा पेस्ट बना देंगे, मतलब जिससे हमारा चीला बढ़िया और अच्छा स्मूथ सा बने. तो डालेंगे सबसे पहले पोहा. दिख रहा है आपको? बेसन, ठीक है, सूजी, और इसी में हम नमक डाल देंगे. चुटकी भर हल्दी. ये सुबह सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा होता है, लाइट वेट होता है. ये आधा चम्मच के करीब है मिर्ची, तो कर देते हैं इसको मिक्स. थोड़ा और पतला कर देते हैं. देखो अभी भी थोड़ा मेरे को मोटा सा ही लग रहा है, तो थोड़ा अभी मिक्स करते हुए इसको इसमें डालूंगी, तब इसमें पानी डाल दूंगी. अभी मेरे को मोटा लग रहा है तो मैंने अभी भी थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया. अब ठीक बना है. इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, अच्छा लगता है जीरा का टेस्ट. और आज चीकू का ही पेपर है, टिंडिंग का नहीं है, पीछे गाने आ जाते हैं, आधा तो मैं इनसे परेशान हूँ. इसका बैटर बन गया है, देखो पनीर है मेरे पास, पनीर को क्रश कर दूंगी और कैप्सिकम. हाँ तो तैयार है सब्जी काट के. कैप्सिकम, प्याज और पनीर को कर दिया मैंने कद्दूकस. इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, पर टमाटर बच्चे खाएंगे नहीं और टमाटर से वो पानी भी निकलता है, तो इसलिए मैंने डाला नहीं है. तो मैंने यही दो चीजें डाली सब्जी में. चाहो तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हो, अदरक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है. तो इसमें मिलाएंगे आप सारे नमक मिर्च मसाले और डालेंगे सबसे पहले नमक. सबसे पहले तो मिक्स करेंगे इन सबको. इसको गरम नहीं करूंगी मैं, ऐसे डालूंगी, ऐसे अच्छा लगता है. कच्चा कच्चा भैया कैप्सिकम इतनी अच्छी लगती है ना कच्चे में, खा के देखना कभी. जो अच्छी सी और स्वस्थ सी कैप्सिकम होगी ना, वो कच्चे खाने में इतनी टेस्टी होती है ना, मीठी मीठी सी, अच्छा टेस्ट आता है उसका. देखो जैसे मैं बात करने लगी फिर वो गाने वाले आ गए. वो रोटी वगैरह ले जाते हैं ना, जैसे घर में रोटी कुछ अनाज बचा हुआ है वेस्ट वाला, तो वो दे सकते हो. और डालूंगी चाट मसाला. सब मिक्स कर देना एक बार. ये देखो तो तैयार है हमारा मसाला और अब ट्राई करते हैं चीला. चलो चीला ट्राई करते हैं. चढ़ा दिया मैंने,
साफ कर देंगे। थोड़ा घी डालेंगे। हल्दी कम लग रही है। एक तरफ रख देती हूँ चाय। तो जब सब बन जाएंगे उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। अभी बना रही हूँ और चाय के साथ फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो तैयार है बेसन पनीर के चीले और साथ में है चाय। तो देती हूँ मैं इनको नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे तैयार है मेरे लिए और फिर मिलती हूँ मैं आपको नाश्ता करने के बाद। तो नाश्ता करके आ गई हूँ मैं ऊपर पेड़ों को देखने के लिए। और थोड़ी तुलसी कटिंग करनी थी मैंने, वो कर दिया। और यहाँ किनारे पे वो अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। और लहसुन लगाए थे मैंने तो आ गए। तो ये लहसुन लगा के लहसुन भी आ गई। और ये है बीन्स की फली जो होती है वो उसका ही है। और आधा उसमें लगा रहा है, इतना हो ही गया। एक एक ही आई, तीन तीन चार चार लगाए थे मैंने तो आए नहीं। और ये तुलसी कटिंग कर ली है मैंने तो चाय के लिए हो जाएगी। सर्दियां वैसे आ ही गई हैं, मतलब ठंडा ठंडा तो सुबह लगता ही है। तो यहाँ दिख रहा है जो आपको पॉलीथीन से ढका हुआ है वहाँ पे लेटस लगा रखा है मैंने, जो सलाद पत्ता होता है। तो मैंने कहीं धूप से सूख ना जाए इसलिए उसको ढका हुआ है। और अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये कर ली मैंने डंडियाँ अलग और पत्तियाँ अलग, इनको धो दूंगी। और ये डंडियों को भी धो के मैं चॉपर में चॉप कर दूंगी। चाय पत्ती है ना जो, उसके डब्बे में डाल दूंगी चॉप करके। तो इनमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है तुलसी का डंडियों में। और इनको भी सुखा दूंगी धो के। तो आ गए हैं नीचे। और अब टिंटिन उठ गया तो उसके लिए बना रही हूँ मैं चीले। 10 दिन के खाने के लिए मैंने दाल चढ़ा दी है। और 10:30 हो रहे हैं तो चीकू भी आने वाला है, मतलब ये लेने जाएंगे चीकू को। आजकल चीकू के मजे हो रखे हैं, पापा ही छोड़ देते हैं, पापा ही ले आते हैं, नहीं तो उसको पैदल आना जाना पड़ता है मेट्रो से। मेट्रो तक तो जाना पड़ता है पैदल। तो चलो तैयारी करते हैं, बनाती हूँ मैं चीला। तो अभी ऐसी रेस्ट दे रही हूँ इसे मैं, अब ज्यादा दर्द नहीं है, हल्का फुल्का हिला ले रही हूँ। चलो ठीक है, वो ठीक है। लंबी वीडियो देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं सोता हूँ तो कैसे चिपके हो? नहीं नहीं वो ठीक है। मैंने देखो तुलसी के पत्ते और जो डंडिया थी उसके मैंने सारे एक साथ पीस दिया। अब इनको सुखाऊंगी और सुखा के फिर इनको मैं डाल दूंगी चाय पत्ती वाले डब्बे में। तो अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो चाय तुलसी और अदरक वाली चाय अच्छी लगती है पीनी। तो सबने खा पी लिया खाना और सब आराम कर रहे हैं। टिंटिन और अपने कमरे में लेटे हैं और ये अपने कमरे में लेटे और मैं यहाँ लेटी हूँ नीचे। यहाँ से काफी अच्छी हवा आती है तो मैं यहीं लेट जाती हूँ, दिखाती हूँ। इधर लेट जाती हूँ और यहाँ दरवाजे से अच्छी हवा आई रहती है। तो चलिए दोस्तों मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो छोटी छोटी अपडेट तो देती रहूंगी मैं। और तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। और फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में आपको। बाय दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। बाय दोस्तों।